मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार और धमकी भरी चिट्ठी के मामले में आज आतंकी संगठन की एंट्री ने सभी को चौंका दिया है। टेलीग्राम ऐप पर जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने लेटर जारी कर इस पूरे वाकये की जिम्मेदारी ली। संगठन ने धमकी भरे लेटर में मुकेश अंबानी से बिटकॉइन में फिरौती मांगी है। अचानक जन्मे इस आतंकी संगठन जैश उल हिंद के बारे में इससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इस धमकी भरे लेटर को हिंदी और अंग्रेजी मिक्स भाषा में लिखा गया है। पत्र को इस तरह से लिखने की वजह यह हो सकती है कि एजेंसियों को भटकाया जा सके। जानबूझकर लेटर में कुछ गलतियां भी की गई हैं। आइए आपको बताते हैं इस लेटर में क्या लिखा है। अंबानी के घर के पास एसयूवी खड़ी करने वाला सही जगह पर पहुंच गया है। यह सिर्फ ट्रेलर था और पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। यही नहीं, लेटर में अखलाक की हत्या, गुजरात के दंगों और दिल्ली की हिंसा का भी जिक्र किया गया है। पत्र में लिखा गया है, अब तुम्हें इस बात पर हैरानी होनी चाहिए कि आखिर हम कौन हैं। हम वही अखलाक हैं जिसे तुमने एक गाय के लिए मार डाला था। हम वे लोग हैं जिन्हें दिल्ली की हिंसा में मारा गया था। हम वे बहने हैं जिनका गुजरात में रेप किया गया था। हम तुम्हारी रात के बुरे सपने हैं। हम तुम्हारे पड़ोस में हैं, ऑफिस में हैं। तुम लोग हमें ऐसे पास कर देते हो जैसे किसी सामान्य आदमी को। हम हर जगह हैं। हमें तुम्हारे जैसे कारोबारियों से दिक्कत है जिसने बीजेपी और आरएसएस के हाथों अपनी आत्मा को बेच दिया है। लेटर में सुरक्षा एजेंसियों को भी चैलेंज किया गया है। लेटर में कहा गया है, हम एजेंसियों को चुनौती देते हैं कि वे हमें रोक कर दिखाएं। हम जब तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में ही अटैक करेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने मुसाद के साथ गठजोड़ किया लेकिन तब भी फेल रहे। अल्लाह के करम से तुम लोग हर बार फेल हो जाओगे। इससे पहले अंबानी के घर के बाहर से मिली संदिग्ध कार से मिले धमकी भरे लेटर में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को संबोधित करते हुए कहा गया था, मुकेश भैया, नीता भाभी, अभी तो यह ट्रेलर है, पूरा इंतजाम हो गया है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने किसी भी पत्र को लेकर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। याद दिला दें कि 25 फरवरी की शाम अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली थी। इस कार से जिलेटिन की 20 छड़े बरामद हुई थी। कार पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी थी। इस कार को कुछ दिनों पहले ही चुराया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।